बट हर चीज का नेगेटिव पॉइंट भी होता है, तो उसको भी देखना जरूरी है। तो आज उस टॉपिक को ही कवर करूंगा। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे सिविल जज के नेगेटिव पॉइंट, जॉब के नेगेटिव पॉइंट, डिसएडवांटेज की बात करूंगा। पॉजिटिव चीज तो मैंने आपको बहुत बार बताई है, और वैसे पॉजिटिव ही है सिविल जज नौकरी, एक तरीके से काफी अच्छी नौकरी है, काफी अच्छी सैलरी है, काफी अच्छी फैसिलिटी है, बट हर चीज का नेगेटिव पॉइंट भी होता है, तो उसको भी देखना जरूरी है। तो आज उस टॉपिक को ही कवर करूंगा। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है, दो चार बच्चे ने, कि सर वही कवर कर रहा हूँ, सोशल मीडिया हो गया, हेल्थ इश्यू, रिस्की जॉब, रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, तो इस सारी चीज कवर करूंगा इस वीडियो में। और मैंने ये प्रैक्टिकल चीजें देखी हैं, आपको पता है मेरे घर में भी जज है, और एक नहीं कई अलग, मतलब एक से ज्यादा जज है मेरे घर में, और मैं काफी जजों को जानता भी हूँ। मेरे बैचमेट भी जज बन गए हैं काफी, और हमारे कॉलेज से बहुत लोग जज बने हैं, सीनियर भी जज बने, तो देखा और सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो उस पर डिस्कस करूंगा। और इसको पॉजिटिव में लेना, ये आपको मैं बता रहा हूँ, वैसे मेजर नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट आज के टाइम पे यूथ को ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, दो चीज, एक तो हेल्थ और सोशल मीडिया। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले सोशल लाइफ के ऊपर। देखो सोशल लाइफ में बहुत सारी चीजें हो जाती है, वाइड स्कोप है सोशल लाइफ का, जैसे शादी फंक्शन हो गए आपके, फैमिली फंक्शन हो गए, या कोई वैसे इवेंट हो गए आपको जाना होता है, और तो वहां जा सकते हो। फैमिली फंक्शन में कोई इशू नहीं है, इवेंट में कोई इशू नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है, पॉलिटिकल इवेंट, पॉलिटिकल रैली, आप वहां पे नहीं जा सकते, वहां जाके भाषण नहीं दे सकते। ये गवर्नमेंट जॉब जितनी भी है ना, चाहे स्टेट की हो सेंटर की, सब पे अप्लाई होता है। पॉलिटिकल इवेंट में आप नहीं जा सकते, पॉलिटिकल इवेंट में भाषण भी नहीं दे सकते, तो ये तो सब पे अप्लाई होता है। बात आती है सोशल प्लेटफॉर्म जो है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। देखो व्हाट्सएप तो आपके ऊपर है, कितने कॉन्टेक्ट है आपके, वही शो आप किसको दिखाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप तो इतना वाइब, मतलब उसका रीच इतनी नहीं होती, वो आपके ऊपर होता है कितने लोग देखे। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब की रीच बहुत होती है। तो देखो बात यह है कि सब चला सकते हो आप, जब तक आप किसी के नजर में ना हो। और यूट्यूब पे आप पैसा नहीं कमा सकते, ये बात ध्यान रखना अगर किसी के मन में डाउट हो। वैसे कई सिविल जज है, तो यूपी में भी एक सिविल जज है, उसने यूट्यूब चैनल खोल रखा है, तो उसका मोनेटाइज नहीं है। आप पढ़ा सकते हो, उसका कोई इशू नहीं, जब तक आप पढ़ा रहे हो, टीचिंग दे रहे हो। और कई ऐसे मतलब कई स्टेट जॉब ऐसी हैं, जैसे जुडिशरी की बात करो तो गुजरात में आपको परमिशन लेनी पड़ती है हाईकोर्ट से, राजस्थान में ऐसा कोई नियम नहीं है, साउथ में भी शायद केरल में भी आपको हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, कहीं पे भी आपको पढ़ाने भी जाना हो तो कई ऐसे स्टेट है जहां परमिशन लेनी पड़ती है। राजस्थान में ऐसा कोई नियम नहीं है, आप पढ़ा सकते हो यूट्यूब पे चाहो तो, बट ऐसा कोई, मैंने एक शायद चैनल है आजकल वो भी नहीं डालती वीडियो मैडम, तो ट्राई किया उन्होंने, पर पढ़ा सकते हो, पढ़ाने पे कोई इशू नहीं है। मोनेटाइज नहीं कर सकते, पैसा नहीं कमा सकते यूट्यूब से, आप किसी से भी पैसा नहीं कमा सकते आप, तो इस बात का ध्यान रखना। और कई स्टेट में ऐसा भी है कि परमिशन लेनी पड़ती है हाईकोर्ट से, तो गुजरात का तो मुझे पता है, गुजरात में तो आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, इवेंट, कोचिंग इवेंट में भी नहीं जा सकते, वहां जाके बोल नहीं सकते, कोई बैनर नहीं लगा सकते पीछे, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये मुझे गुजरात के जुडिशियल, मतलब जो सिविल जज थे उन्होंने ही बताया, जब मैं सिविल जज के बारे में बता रहा था ना, गुजरात की जुडिशरी के ऊपर मैं वीडियो बना रखा कि वहाँ पे क्या फैसिलिटी, क्या सैलरी, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, सब कुछ डिटेल में वीडियो बनाया, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ऐसे 13 से 14 स्टेट कवर कर रहा है मैंने, सबके लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। अभी नई फैसिलिटी तो पता ही चल गई आपको, मैंने वीडियो बनाया था, नए अलाउंसेज भी मिल रहे हैं, उसको भी देख लेना जाके वीडियो को। तो यूट्यूब तो आप नहीं कर सकते, एक तरीके से पैसे का खेल है यूट्यूब पे, हर कोई, मेहनत भी बहुत लगती है, और आजकल तो अगर पढ़ाना है तो पढ़ा सकते हो, बट मेजरली आप नहीं करो तो बढ़िया ही है आप लोगों के लिए। अगर कोई सिविल जज फ्यूचर बनने की सोच रहा है, अभी चाहता है कि यूट्यूब पे पढ़ा दूं मैं आके, तो एक तरीके से नहीं करना। और फेसबुक चला सकते हो, इंस्टाग्राम भी चला सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, और सब जजेस के फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कोर्ट की चीजें नहीं दिखानी है आपको, डेस्क नहीं दिखानी, चैम्बर नहीं दिखाना, इन चीजों का ध्यान रखना है। चैम्बर की फोटो डाल सकते हो आप, मतलब जो आपका चैम्बर होता है सिविल जज का, वो चेयर से फोटो, वो उसकी, उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट डेस्क, कोर्ट नहीं दिखना चाहिए, कोई फाइलें नहीं दिखना चाहिए, तो ये सारी चीजें। अब दूसरा नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, देखो सिटिंग जॉब है, तो सिटिंग जॉब में क्या इशू आता है, हेल्थ इशू आता है, तो हेल्थ इशू बहुत आपको मेंटेन रखना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, आजकल करते नहीं है बहुत लोग, और सिटिंग जॉब में हेल्थ इशू आता है, आपका वेट बढ़ जाएगा, फिर आपको और प्रॉब्लम होने लग जाएगी, हार्ट से रिलेटेड होने लग जाएगी, शुगर की होने लग जाएगी, बीपी की होने लग जाएगी। सिटिंग ही जॉब है तो आपको कहीं नहीं ट्रेवल करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिविल जज को कोर्ट में ही रहना है। कुछ पोस्ट होती है जिसमें ग्राम न्यायालय हो गए, सीजेएम पोस्ट हो गई, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट,
डीजे कोर्ट हो गए, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम रहता है। प्रिंसिपल डीजे की बात कर रहा हूँ तो उनको थोड़ा ट्रेवल करना पड़ जाता है, नहीं तो और कोर्टों में तो आपको कोर्ट से घर जाना है। और जितने भी क्वार्टर्स होते हैं ना सिविल जज के, वो ज्यादातर आधा एक किलोमीटर दूरी होता है। आउटर लाइन कोर्ट की बात कर रहा हूँ, शहर की बात नहीं कर रहा, सिटी की बात नहीं कर रहा, तो बिल्कुल आधे एक किलोमीटर की दूरी पे होता है। तो आप जाके आराम से कोर्ट में जा सकते हो। तो सिटिंग जॉब है, हेल्थ से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, तो इनका भी ध्यान रखना पड़ता है आपको। अब बात आती है थर्ड डिसएडवांटेज, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, तो गवर्नमेंट को इस पे एक्शन भी लेना चाहिए और इस पे मैटर पेंडिंग भी है सुप्रीम कोर्ट में। ये आती है रिस्क जॉब, मोर रिस्क जॉब है। आपको पता है सीरियस ऑफेंस होता है ना, जेएम के पास भी आते हैं कई सारे क्रिमिनल, और आपको पता है जेएम से ही कमिट होके डीजे कोर्ट में जाते हैं। मर्डर के केस जेएम ही कमिट करता है, पर इनिशियली जेएम के पास ही आता है, अगर आपने सीआरपीसी पढ़ी हो या आपने प्रैक्टिकल देखा हो तो बहुत ऐसे सीरियस ऑफेंडर भी आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब छुट्टी होती है संडे को तो एक रिमांड कोर्ट खुलता है, तो रिमांड ऑफिसर होता है उसको, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही लगाते हैं, तो उस दिन घर पे भी मुजरिम आ जाते हैं। अगर कहीं बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, कोर्ट का टाइम मतलब 5 बज गया है, उसके 6 बज गए लाते लाते मुजरिम को, तो कभी कभी जज घर चल जाते हैं 5 बजे, तो छुट्टी हो जाती है, तो घर पे भी देखना पड़ जाता है, तो उनको घर जज का घर दिख जाता है, तो बहुत सीरियस ऑफेंडर भी आते हैं। तो गवर्नमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए सिविल जज को। अभी तक राजस्थान में तो नहीं है, और हरियाणा में मिलती है, पंजाब में मिलती है, और शायद बिहार में मिलती है, वेस्ट बंगाल में मिलती है, ये मैंने स्टेट कवर करा है, आप देख लेना जाके वीडियो कहाँ कहाँ सिक्योरिटी मिलती है। राजस्थान में भी इस पर बात चल रही है, अभी डेटा मांगे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ दे दिया, अभी अलाउंसेस बहुत सारे इंक्रीज हुए हैं, सिक्योरिटी का मैटर पेंडिंग है, वो भी जल्द मिल जाएगा, बट अभी तक है नहीं, तो ये डिसएडवांटेज ही है। और देखो रिस्की लाइफ तो है, अभी आपने देखा भी होगा झारखंड में हुआ था या बिहार में हुआ था, एडीजे साहब पे हुआ था, न्यूज पढ़ी होगी आपने। और कई ऐसे मैटर है राजस्थान में भी, वो मतलब हिस्ट्री थिएटर था, रात को जेएम साहब जा रहे थे तो नाइट उस पे गाड़ी पे जेएम की पट्टी लगी थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, वो देख के भाग गए। नहीं तो पता किसको चलता है जज जा रहा है, कौन जा रहा है, आम आदमी जा रहा है, तो रिस्की तो नौकरी होती है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड तो करवानी चाहिए। और देखो लास्ट डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपसे छोटी सी भी गलती हो जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि अभी क्या हुआ था, चलो निया इस पे तो डिस्कस नहीं करते थोड़ा, ठीक है, मतलब इस एक्शन बहुत जल्दी लिया जाता है हाईकोर्ट के द्वारा, अगर आपसे कोई गलती हो गई है ना तो हाईकोर्ट बहुत जल्दी एक्शन लेगा और आपको नौकरी से निकाल देगा, ये बात मान के चलो आप। तो हमेशा बस यही है कि आपको ध्यान रखते हो, वैसे कोई वर्कलोड नहीं है, कोई वर्क प्रेशर नहीं है, किसी से प्रेशर नहीं आता आपके पास, और बट हाईकोर्ट के पास भी कंप्लेन चले गई, वो सीरियस कंप्लेन है, तो उस पर एक्शन होगा और बहुत जल्दी एक्शन होगा, ऐसा नहीं कि डिले होगा आपको कोई, और फिर आपको पता है आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे उसका, उसको मतलब उस ऑर्डर को चैलेंज करोगे, तो फिर सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी पहले यही बोलता है कि आप स्टेज फॉलो करो, सबसे पहले आप अपने स्टेट में जाओ, तो हाईकोर्ट में जाओ, तो फिर वो जाता है फिर सुप्रीम कोर्ट में। आपको भी पता है स्टेज होती है कोर्ट की, मैं आपको कोर्ट की स्टेज बता देता हूँ, जेएम कोर्ट होती है, फिर एसीजेएम कोर्ट होती है, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, फिर एडीजे कोर्ट होती है, डीजे कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट होती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है पहले स्टेज फॉलो करके आओ, आपने राहुल गांधी की भी केस में देखा होगा, तो स्टेज बाय स्टेज गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में बाद में गया है, पहले डीजे कोर्ट में गई थी जहां से कन्विक्शन हुआ था, फिर डीजे कोर्ट में गई थी, फिर हाई कोर्ट में गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में गई थी, तो ये ऐसे अपील चलती है। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आप स्टेज बाय जाओ, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर सिंगल बेंच के ऑर्डर की भी अपील होती है, 5 जज के बेंच होते हैं, 2 जज की बेंच होती है, वो उन्होंने रूल्स बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, एक्शन बहुत जल्दी लिया जाता है, तो ये बात ध्यान रखना। आप बोलोगे सर ये तो अच्छी चीज है, बट कभी कभी आप चलो कहीं आप प्रैक्टिकल मतलब लाइव मिलोगे तो समझाऊंगा मैं आपको, वीडियो में बोलना अच्छा नहीं है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वैसे देखो मैंने सिविल जज के बारे में बहुत डिटेल में बताया, और ये भी मैंने प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं, ये आपको कहीं गूगल करोगे नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब चैनल पे जाओगे नहीं मिलेगा, कभी अधिकारी से मिलोगे तो ही बता पाएगा वो आपको, और तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी। तो ये डिसएडवांटेज ही पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए, नौकरी अपकमिंग वैकेंसी हो सिविल जज की, अपकमिंग लॉ की वैकेंसी हो, अपकमिंग एपीओ की वैकेंसी हो, अपकमिंग जेएलओ की वैकेंसी हो, कोई भी लॉ से रिलेटेड होती है चीजें मैं आपको इस चैनल पे बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए जॉब का, अगर जॉब की डेट निकल जाएगी उसके बाद देखोगे तो कोई मतलब नहीं उस वीडियो का, इसलिए बेल आइकन भी दबा देना,
इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा।